ओहो, अच्छी गेंद, इस बार फुल एंड डिलीवरी थी और सीधे विकेट कीपर के मजबूत दास्ताने में जाता हुआ। कहा जा सकता है कि बल्लेबाज को गेंद मुंह चढ़ाते हुए सीधे विकेट कीपर मजबूत दास्ताने में जाता हुआ। हमारे साथ इस समय ठीक दाहिनी ओर तमाम दर्शकों को जानकारी दे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत लक्षात्मक ढंग फ्रंट फुट में जाकर हल्के हाथों से रोल करके हाथ खेला और बहुत ही बढ़िया आंखों आंखों में सरा कर लिया और एक रन लेने का बहाना ढूंढ लिया। यहाँ पहला ओवर समाप्त हुआ और रनों की जो संख्या है इस समय एक ओवर की समाप्ति पे 8 रन बिना कोई नुकसान के T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का जहां तक सा नए गेंदबाज फिर देखना है कि कौन आते हैं। जैसे जैसे गेंदबाज का नाम बताना भैया, भाई बॉलर नहीं भैया, नीरज हैं गेंदबाज। आत्मा ढंग से खेल दिया, कट शॉट खेलने की चाह थी मगर बल्ले पे सही संपर्क नहीं हो पाया गेंद का क्योंकि गेंद काफी बिल्कुल लो डिलीवरी, लो फुल टॉस। बस जबरदस्त मुकाबले की जो चाहत है वो झलकता हुआ। इसको अंदर कर दो, अंदर कर दो इसको। मुकाबले जो कहा जा सकता और बहुत ही खूबसूरत गेंद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वाइड का इशारा अंपायर का लेग स्टिक में भटके और सीधा एक अतिरिक्त रन। जो मैच मुकाबला जो चल रहा है ECL टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रहा है और CIL इस समय क्षेत्र रक्षण करता हुआ। रेड कलर की जर्सी पहने CIL की टीम है। और यहां पे फुल टॉस गेंद, नो गेंद का इशारा, जबरदस्त बॉल का और 6 रन के लिए सही नसीहत। यहां पे छक्का मिलता हुआ, तारीफ करनी होगी यहां पे। बिल्कुल सीधा प्रसारण है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसमें लिख दिए तो लिंक अच्छा लिंक नंबर देना। बहुत ही बढ़िया यहां पे मुकाबला चलता हुआ, खेल बल्ले और गेंद के बीच में संघर्ष मुकाबले चलते। आगे से भैया, आगे से भैया थोड़ा। हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए यहां लाजवाब प्रदर्शन यहां देखने को मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा आज। गेंदबाज वापस बॉलिंग मार्क में जाते हुए ड्राइव किया यहां पे, बहुत ही ऑफ साइड के जाने, बहुत ही जबरदस्त ड्राइव बल्ले से निकला हुआ और खूबसूरत सा कड़ाके का आवाज कहा जाता है टिन टन टिन। अरे भाई ये चौका है और चौके पे मौका पे चौके लगाना, जबरदस्त प्रदर्शन। यहाँ इरादे स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिल्कुल शुरुआती ही में एग्रेशन देखने को मिलता हुआ, लाजवाब प्रदर्शन यहां। हाँ ले लो, हम तो बोल रहे तुम साउंड वाले से आग्रह है कॉमेंटेटर बॉक्स में। ऑफ स्टिक में भटके और वाइट का इशारा, दबाव साफ झलक रहा है मगर दबाव से निकलना जानती है CIL और यहां बिल्कुल इस चौके के साथ ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ लाजवाब उम्मीदों का पंख लगा के अरोड़ा और इसे हल्के हाथों से देखना है कि बैट से है या फिर पैड से है। यहां पे बैट से था तो निश्चित तौर पर अंपायर का कोई इशारा नहीं जिसकी वजह से बैट से था तो निश्चित तौर पर ठीक। हेलो,
हेलो। इस बार लेग स्टिक में भटके और फिर एक बार वाइट का इशारा, तो जबरदस्त कहा जा सकता है कि दबाव में इस समय से आज करी कल सर्विस तो उसको लास्ट टाइम में मेंटेन कर देंगे, छोड़ दो नहीं संग इसमें रहेगा ना। बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंद, इसे रचात्मक ढंग से खेल दिया बिल्कुल, और आंखों आंखों में इशारा कर गेंद थोड़ा सा यहां ठहर से आई और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक रन की गुंजाइश थी, इस एक रन को मुकम्मल किया। दो ओवर की समाप्ति पर 26 रन बने हैं और इस समय जो बल्लेबाज रन बनाकर खेल रहा है, मैं व्यक्तिगत स्कोर की जानकारी भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। जबरदस्त दोनों बल्लेबाज, अजीत हजरा जो है 11 रन बनाकर खेल रहे हैं 8 गेंदों में, और वहीं अभिषेक 6 रन 5 गेंदों में। गेंदबाज में फिर वही गेंदबाज आए हैं शुरुआती जिन्होंने, हाँ संदीप, दो ओवर की समाप्ति पे 26 रन, दो के पीछे 6 बिना कोई नुकसान। हम तुमको इंट्रोड्यूस कराते ना बेटा, तुम बोलेगा सीधा बोलेगा इसे नहीं, उन लोग नाम पूछेगा, स्कोर पूछेगा। खूबसूरत शॉट यहाँ पे, लाजवाब प्रदर्शन यहाँ 4 रन के, और यहाँ पे बिल्कुल तारीफ करनी होगी कि बल्ले से निकला और सीधा दंदन आता हुआ चौका फील्डर सीमा रेखा से लाने का बस कार्य करने के लिए जान लेते हुए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि अगर इस महाकुंभ को जीतना है तो इस खूबसूरत शॉट इस बार लॉन्ग ऑन के जाने जबरदस्त है वहां पे फील्डिंग फील्डर के द्वारा 1 रन। इरादे स्पष्ट नजर आ रहा है कि आज कुछ करने की जो समन्ना है वो पूरा होता हुआ, 31 रन बन चुके हैं और 2 ओवर 2 गेंद। वाइट का इशारा नहीं था क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि ये गेंद थोड़ा सा टर्न होता है अंतिम क्षण पे और सांसें लुटक जाएगी थी। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार, फुल लैंड डिलीवरी थी बिल्कुल, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, गियर बिल्कुल एस्केलेटर दबाए हुए हैं ईसीएल की टीम ने। विकेट कीपर, क्या नाम है उनका बताइए तो, सीआईएल का विकेट कीपर, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में, हिमांशु विकेट कीपर बिल्कुल अपनी टीम के लिए बूस्टिंग कर रहे हैं। लाजवाब चौका, ये क्या देखा, 1 रन देखो नहीं यार, हम देख ही नहीं था, मुझे लगा कि स्टेडियम मारा तो सीधा चौका या 1 रन, तो 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ बिल्कुल, और इसके रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 32 3 ओवर की समाप्ति पर। चौथा ओवर देखना कि कौन लेकर आता है, इरादे स्पष्ट नजर आते हुए चौथा ओवर लेकर कौन आता है ये अहम बात है। दोनों ही बल्लेबाज को कुछ मंत्रणा देते हुए खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से एक पैगाम जो आया है उसे ग्रहण करते हुए
ये कौन है? ये इधर पिलर लंबा है। हाँ लंबा है, अभिषेक है। अच्छा बस छोटा है, अर्जित है। अभिषेक और अर्जित जैसे है ना, अभिषेक और अर्जित दोनों ही बल्लेबाज कहा जा सकता है कि। और वहीं बॉलर नेम, वो द सेकंड वाला ओवर के ना, फर्स्ट सेकंड वाला ओवर। हाँ नीरज कुमार, अच्छी गेंद यहां पे, अपील जरूर थी और यहां लाजवाब प्रदर्शन, यहां बैक कम बैक करता हुआ। नहीं लो, ये लो हमेशा गिन गान के लेते हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, चार रन अर्जित के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, ऐसे हल्के हाथों से खेल दिया, बिल्कुल ताबड़तोड़ आक्रमण सहित पनिशमेंट सही सजा यहां दे लेते हुए, लाजवाब प्रदर्शन यहां करने में फिर एक बार तैयार होते हुए इस चौके के साथ ही स्कोर पहुंचा, जो रनों की जो संख्या है आपको जानकारी देता चलो 36। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंद इस बार और यहां डॉट गेंद डालने में बिल्कुल कामयाब होते हुए गेंदबाज। खूबसूरत शॉट यहां पे ऑन साइड में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इससे पहले कि वहां पे फील्डर फील्ड कर पाते एक रन मुकम्मल करते, सेकरण के साथ ही स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 37-37। आगे का सूरत हाल सहयोगी कमेंटेटर बोलो। बेहतरीन गेंद, उतनी ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली फील्डर की ओर से, चलता कि अच्छे दिख रहे बल्लेबाज अभिषेक मुखर्जी। हल्की धीमी पटकी हुई गेंद, बल्ले फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, थमी हुई गेंद, बहुत बेहतरीन कैच यहां लिया फील्डर ने। मैं सीआईएल के एक अतिरिक्त खिलाड़ी या टीम मैन से अनुरोध करूंगा कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। अरे वो कौन सा कैच कौन लिया है? फर्स्ट डाउन बल्लेबाज ईसीएल के ओर से मिलन नंदी साथ निभाएंगे। चार ओवर की समाप्ति हुए, 37 रन, 3 के पीछे 7, 1 विकेट नुकसान पे। पिछले ही ओवर में आखिरी गेंद पे विकेट गिरा, अच्छी सफलता पावर प्ले में ही। स्कोरबोर्ड चलाते रहे, 37 रन, 4 ओवर 37 रन।
बेहतरीन गेंद यहाँ संदीप की ओर से, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ सीआईएल की ओर से। रन गति में थोड़ी सी लगाम लगा के रखी है एसीएल के लिए। फिर से गेंद हवा में, गैप नो मैन्स लैंड और चार रन का इशारा एम्पायर की ओर से। एक बार और फिर गेंद हवा में थी, बल्ले के संपर्क अच्छा नहीं, परंतु नतीजा चार रन। करारा प्रहार, दंडनाता और शॉट, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा की ओर, चार रनों के लिए। बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अर्जित हाजरा, बैक टू बैक चार रन। फिर से उठा के मार दिया है, नो मैन्स लैंड, एक रन। फील्डर बल्लेबाज सुरक्षित क्रीच में, अच्छी फील्डिंग फील्डर की ओर से। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज मिलन, नए बल्लेबाज पहली गेंद का सामना करेंगे, अपनी पहली गेंद। पहली गेंद पे बल्ला मोड़ना चाह रहे थे, बॉल टकराई पैरों पे, अच्छी अपील पर एम्पायर नाखुश। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, सिक्का उछला और गिरा ईसीएल के पक्ष में। ईसीएल ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिर से बल्ला घुमाया, गोली की रफ्तार, गेंद सीमा रेखा की ओर, चार रनों के लिए दंडनाती। आते ही अपने मनसा साफ करते हुए मिलन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पे 50 रन, पांच के पीछे शून्य, एक विकेट नुकसान पे। और 50 रन के साथ ही कहा जा सकता है कि जो विकेट का पतन हुआ है वो एक प्रत्येक ओवर में 10 रन के औसतन से बन रहा है रन। और कहा जा सकता है कि बिल्कुल अगर इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो वो 200 रन का जो हमने पिच रिपोर्टिंग किया था वो जरूर आंकड़ा पार कर जाएगा। मगर क्रिकेट है, T20 क्रिकेट बड़ा ही बेवफा होता है और किसी समय भी आपके सपने को चकनाचूर कर। अनमोल मंतोष हैं, यस धन्यवाद आपका मंतोष। इस ओवर में आगे की फिर जानकारी के लिए मैं चाहूंगा सहयोगी कमेंटेटर, आप आगे की जानकारी देते चले चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा खेल का प्रदर्शन मिलते हुए। और हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाज आए हैं मंतोष अपने पहले ओवर लेके। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अर्जित हाजरा जो कि आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, पहली गेंद सटीक लाइन और लेंथ पे गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, गेंद गई सीधे दस्तानों में। काफी अच्छी दिख रही है यहाँ मैनी रेड्स सीआईएल
ग्राउंड में चुस्त दुरुस्त फील्डिंग का मुजहरा दिखा चुकी है, एक अच्छी डाइविंग कैच। फिर से अच्छी गेंद थी लेकिन ये थोड़ी दिशा से भटकी और एक वाइड का इशारा। हल्के हाथों से पुश किया है सिंगल के लिए, बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजी की ओर से। मिलन और अजीत हाजरा, अच्छे तालमेल, स्ट्राइक पे फिर से बल्लेबाज और जीत, माफ करिएगा मिलन। फिर से बल्ला घुमाया बाहरी किनारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मिलन, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं ईसीएल ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज अरिजीत और अभिषेक मुखर्जी ने पारी की शुरुआत की। इसमें अभिषेक मुखर्जी को चलता किया नीरज कुमार ने, बेहतरीन गेंदबाजी। उसी के साथ नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद मिलन, जो कि आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। फिर से एक दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर की ओर से। फिर से कर प्रहार, ड्राइव कर दिया है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद जमी को चीरती हुई सीमा रेखा की ओर, चार रनों के लिए। एक फायरी शॉट बल्लेबाज की ओर से। फिर से बल्ला घुमाया, गेंद टकराई पैरों पे और लेग बाय का इशारा, इसी लेग बाय के साथ स्ट्राइक में तब्दीली, स्ट्राइक रखेंगे मिलन अपने पास। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पे 62 रन, 6 के पीछे 2, एक विकेट नुकसान में। काफी अच्छी टीम दिख रही है यहाँ, सीआईएल कसी हुई गेंदबाजी कर रही है पर बल्लेबाजों को रोकने में हल्की सी असमर्थ, क्योंकि मिलन आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौकों में डील करते हुए मिलन 6 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं 3 चौकों की मदद से, उनका साथ देते हुए अरिजीत हाजरा ओपनर बल्लेबाज। सीआईएल इंटर क्रिकेट कंपनी टूर्नामेंट का आज आगामी पहला दिन, स्ट्राइक की और नए गेंदबाज रोशन पाठक। सीआईएल कंपनी इंटर कंपनी टूर्नामेंट का पहला दिन इस ये दो जगह खेला जा रहा है, वेन्यू झाल बगान और मुंगमा। आज पहला मैच यहाँ झाल बगान में, सीआईएल बनाम ईसीएल। पावर प्ले की समाप्ति के बाद ही स्पिनर का दर्शन हो चुके हैं, दाएं हाथ के स्पिनर।
बेहतरीन शॉट कराया बाहर, फील्डर को छकाया, फील्डर मौजूद थे लेकिन मौका बुना नहीं पाए और दन दनाता हुआ शॉट चार रनों के लिए सीमा रेखा पे। जैसा कि मैं कह रहा था, मिलन मिलन मिलन। फिर से चार, समा सा बांध दिया है चौकों का, मिलन छाते हुए मेहमानों की खातिर थोड़ी तीखी चार 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 में बात कर रहे हैं मिलन। सीधे हाथ से खेल दिया है ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रनों के लिए, सिक्स आउट स्ट्राइक में तब्दीली, स्ट्राइक पे फिर से बल्लेबाज होंगे अरिजीत हाजरा। फिर से स्ट्राइक में तब्दीली, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजी को, और से लगातार स्ट्राइक में तब्दीली और मौका मिलते ही चौका लगा रहे हैं बल्लेबाज। फिर से उठा दिया है इस नीचे, फील्डर मौजूद और चलता किया, अच्छे दिख रहे हैं मिलन को, फंसाया जाल में, बड़ी मछली जाल में, मिलन आउट होते हुए। जबरदस्त यहाँ पे कैच पकड़ा है और इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, अच्छी फील्डिंग और बिल्कुल सही रणनीति पे। दूसरा विकेट का पतन हो गया है और कहा जा सकता है कि हंसते हंसते कहीं कट जाए नहीं रस्ते, तो निश्चित तौर पर इन्होंने बटन दबा दिया, दो विकेट का पतन हो गया बैक टू बैक। हालांकि रन थोड़े से जरूर बिल्कुल दोनों हाथ से लुटाए, बहुत ही बढ़िया कैच। 99 कैच था इनका, आपका राजेश जी का 99 कैच था, एक कैच और लेंगे 100 हो जाएगा। CIL के खिलाड़ी राजेश, मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है और यहां दो विकेट का पतन हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, हालांकि समीर माझी कोच ACL के जबरदस्त खिलाड़ियों में शुमार है, आपको जान राजेश गुप्ता जी हाँ यहाँ पे है मेरे साथ है, और निश्चित तौर पर 99 कैच पकड़े हैं, जश्न जरूर मनेगा, एक 100 भी अगर कैच लेते हैं तो आज शाम को हारी जीती की वो बात नहीं। आइए वापस मुकाबले में क्या स्थिति है, स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज कप्तान कृष्णा चूड़ा घोष, इस नाम से सभी चर्चित कृष्णा चूड़ा घोष, बेहतरीन बल्लेबाज ACL के लिए, कप्तानी पारी खेलनी होगी यहां से अगर बड़े लक्ष्य की ओर पीछा कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। और अब बहुत ही बढ़िया अंतिम शेष गेंद, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अंतिम गेंद बहुत ही बढ़िया पैडल शेप यहाँ पे लेग साइड में खेल दिया है चार रन के लिए, लाजवाब खेल कहा जा सकता है, पैडल शेप जबरदस्त, स्पिन के लिए थोड़ा सा गेंद को झुलाया था गेंद को और इसे पढ़ लिया और पढ़ने के साथ ही चौका, इस चौके के साथ ही स्कोर पहुंचा, 7 ओवर की समाप्ति पे 76 रन बने हैं और वो 2 विकेट का पतन हो गया है। तो जबरदस्त मुकाबले खेलने के लिए तमाम जो कंपनी है और निश्चित तौर पर इकाई वो आती है, इस मुकाबले को बिल्कुल नजदीकी से बिल्कुल कवर करके रखा है, आप यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। मैं तमाम रवि परिदा, मैं आपको सीधा इसका लिंक भेज रहा हूं, बिल्कुल आप यूट्यूब के माध्यम से मैच को देख सकते हैं। आइए वापस मुकाबले के लिए क्या स्थिति है, गेंदबाज का विवरण वही मनतोष है, मनितोष जबरदस्त बल्लेबाजों में से, मंतोष गेंदबाजी में और सामने हैं बल्लेबाज कप्तान
नॉन स्टैक में, और अर्जित इस समय ये क्या नाम मिल क्या ये कप्तान का क्या नाम है कृष्णा ना कृष्णा बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज को बीट किया अर्जित हाजरा को अच्छी गेंदबाज दिख रहे हैं मंतोष एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कहा तो यहाँ सभी खिलाड़ियों में काफी एक्सपीरियंस सारे मजे हुए खिलाड़ी पटकी हुई गेंद पुल करना चाह रहे थे हल्की सी डिसबैलेंस पर नतीजा एक रन हल्की सी फंबल दिखी यहाँ फील्ड में जो कि हल्की सी लाजमी है क्योंकि हमारे सारे खिलाड़ी एज में गलत कर रहा हूँ एज जस्ट नंबर सारे फिट है तो भी इस फील्ड में दिख रहे हैं कप्तान कृष्ण चुड़ा घोष जो कप्तान है ईसीएल के सामने गेंदबाज बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेला एक रन आंखों में इशारा करके मुकम्मल किया इसे रन के साथ ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ जबरदस्त प्रदर्शन यहां पे गेंदबाज बल्ले और गेंद के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है इस बार बिल्कुल जड़ पे मारा और बहुत ही खूबसूरत ऑफ साइड जाने में खेलते हुए एक रन मुकम्मल कर लिया इस एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज अर्जित और कृष्णा चुड़ा घोष बहुत ही अच्छी गेंद हाँ हाँ ना बहुत ही तेजी विकेटों में भागने की जो कला है वो बहुत ही तेज दोनों के विकेटों की जो भागने की जो कला है कौशल है वो देखने को ही बन रही है एसीएल के खिलाड़ी लगातार चौके और छक्कों से रिश्ता जोड़ रखा है और अभी सिंगल से भी रिश्ता जोड़ता हुआ उम्मीद और यहां पे खूबसूरत कैच हो सकता था बहुत ही बढ़िया कैच मैच में ये अगर कैच हो जाता तो निश्चित तौर पर वापसी कर देता सीआईएल क्योंकि बैक टू बैक दो विकेट गिर जाते हैं मगर ये हो ना सका मिड विकेट में कैच छोड़ा और छक्का था ना छह रन क्योंकि कैच तो छूटा ही छूटा मगर छक्का पे बाउंड्री पे बिल्कुल सीमारे के पास आठ ओवर की समाप्ति पर 86 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पर जहां तक का ईसीएल का आठ होने वाले बल्लेबाज थे अभिषेक और वहीं मिलन आज 99 कैच हमारे साथ मौजूद है इस समय बिल्कुल आप होते तो निश्चित 100 हो जाता बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन में वहां पे फील्डर मौजूद है एक रन लिया दूसरा रन के भी मुकम्मल कर लिया भागकर और यहां क्या तीसरा रन मिलेंगे और यहां पे तीसरा रन भी मुकम्मल करते हुए बिल्कुल तीन रन दौड़कर भाग कर लिया हुआ है तो निश्चित तौर पर जो मौका मिलता है मैं आपको यूं ही नहीं बता सकता हूं कि लगातार 3-4 सालों में अगर एकाध दो साल छोड़ दिया जाए जब समीर माझी कप्तान थे तो लगातार अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मुकाबले को कहा स्कोर बोर्ड में मेंटेन करेंगे जो वहां पे खड़े हैं आठ ओवर हो गया है इस चीज को ध्यान में रखें मैं स्कोरर खूबसूरत ड्राइव बिल्कुल कवर में डिप कवर में लगातार कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ जैसे सर आप कह रहे थे मौका मौका को बुनाया जा रहा है कलाई के द्वारा मोड़ दिया यहाँ पे लेग साइड के जाने में कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर आप जानकारी दें इस समय क्या स्थिति रहेगी प्रदर्शन स्कोर क्या रहेगा
प्रेडिक्टेड स्कोर है मेरे हिसाब से, जिस तरह से रन गति आगे बढ़ रही है स्कोर कम से कम 180 के प्लस होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी टीम है सीआईएल। फुल टॉस गेंद, पाले में गेंद, कृष्णा चूला घोष और 6 रन, दन दनाता और शॉट सीमा रेखा एक बार 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ कृष्णा चूला घोष, मैं भी उनकी कलाइयों की बात करने जा रहा था, काफी लचीली कलाइयां हैं उनकी और ये कलाई से ही शॉट को खेला 6 रनों के लिए। बेहतरीन वापसी यहाँ गेंदबाज की ओर से, एक और डॉट गेंद, फिर से अच्छी गेंद, सिंगल लेना चाह रहे थे कृष्णा चूला घोष, लेकिन शिक्षा तो वृक्ष होती। 9 ओवर की समाप्ति पे 98 रन, 9 के पीछे 8, 2 विकेट नुकसान पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन विकेटों का पतन को रोकना होगा। अजीत हाजरा जो कि ओपनिंग करने आए थे, अपने आंख के सामने 2 विकेटों का पतन देख चुके हैं, लेकिन उनका साथ निभाने आए हैं कप्तान कृष्णा चूला घोष। अजीत अपने निजी 29 गेंदों में 37 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं और उन्हीं के साथ कृष्णा चूला घोष 8 गेंदों में 17 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ। हाँ, हमारे हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाज राजेश गुप्ता, स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अजीत हाजरा। फील्ड में तब्दीली, एक ओपन फील्ड लगाया है अजीत के लिए, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन को बिल्कुल बाहर कर रखा है और मिड विकेट एक लिया है और एक थर्ड मैन, तो डीप स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट लेग पर कहा जा सकता है खिलाड़ी मौजूद है, कहा जा सकता। देखने की जो कर परंपराएं को हम निखारने का कार्य करेंगे दोनों ही। जहाँ तक कृष्णा चूला घोष का सवाल है, जबरदस्त बल्लेबाज तो है ही हैं, वहीं अरिजीत भी अपनी प्रतिभा के साथ खेलते हुए। और यहाँ पे लेग बैक का इशारा अंपायर के द्वारा, मौका हल्के सी भी मौका मिल रहे हैं तो ये रन नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छे तालमेल दोनों बल्लेबाजों में, आंखों आंखों में इशारा किया और लेग बैक को भी सिंगल में तब्दील किया। बहुत ही बढ़िया रचनात्मक ढंग से खेल दिया, यहाँ पे गेंद बिल्कुल सही टप्पे पे अगर डालते हैं, सही लाइन और लाइन रखते हैं तो फिर क्या कहना, मगर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल आंखें जम सी गई और फुटबॉल की तरह गेंद दिखाई दे रहा है। हालांकि सूर्य की किरणें थोड़ी सी गर्मी से परेशान जरूर बल्लेबाज हो रहे हैं। कट शॉट खेल दिया, स्क्वायर कट बहुत ही खूबसूरत, वहां पे मिस फील्ड जरूर हुई थी मगर मना किया बल्लेबाज, कोई रन नहीं, सुरक्षित वापस क्रीज में जाते हुए रहते हुए और वहीं गेंदबाज फिर एक बार वापस बॉलिंग मार्क में। रचनात्मक ढंग से खेलते हुए 1 रन बहुत ही तेजी से, ओहो ये मौका जरूर दिया था, का ललचाया था और जाल में ट्रैपिंग में फंस गया, पहला रन, दूसरा रन और तीसरा रन भी यहां, 3 रन मुकम्मल कर लिया यहाँ। जबरदस्त
रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजी को, से दोनों चतुर बल्लेबाज। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका मौका मिल रहा है, ये सिंगल को भी तीन रन में तब्दील कर दे रहे हैं। तो इसी की तरह रन गति में वृद्धि होती रहती है और इसी के साथ 100 रन पूरे हुए, 102 रन। कलाई के द्वारा मोड़ दिया यहां पे फैलने के जाने डिप्स का, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक एक रन को संवारने का कार्य करता हुआ और दूसरा रन भी मुकम्मल कर दिया। तो लाजवाब प्रदर्शन यहां, काफी फिट दोनों बल्लेबाज कृष्णा चुड़ा घोष और अरजीत हाजरा, सिंगल्स को डबल, डबल्स को ट्रिपल्स में तब्दील कर रहे हैं। जान रहे हैं कि फील्ड थोड़ी सी बड़ी खुली हुई फील्ड, तो हल्के से मौका और सिंगल डबल में तब्दीली लगातार बहुत। और वाइट का इशारा लेग स्टिक में बट के और चार रन। फील्डर प्रयास कर रहे थे लेकिन बॉल तक पहुंच नहीं पाए, पांच रन यहां और कोई गेंद नहीं, यानी कि एक एक डॉट गेंद भी मिलता है वाइट के हिसाब से, तो पांच रन हुए। जी हाँ, पांच रन मुकम्मल होता हुआ, बहुत ही बढ़िया मुकाबले चल रहे हैं। मुकाबले की चाहत इसी से लग सकता है कि 109 रन बन चुके हैं बातों बातों में। आगे का सूरत हाल सहयोगी कमेंटेटर, धन्यवाद सर, काफी बेहतरीन कमेंट्री आपकी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज। मैं हालांकि मैं पिंटू सर से अनुरोध करता रहूंगा कि एक एक जिस तरह छक्के पड़ रहे उसी हिसाब से अपने भी शायरी के पिटारों से शायरी निकालते रहें, बेहतरीन उनके शायरी। 13 ओवर की समाप्ति पर 145 रन बने हैं और विकेट का पतन हुआ है दो और अतिरिक्त रन 24 रन अतिरिक्त इसमें जुड़ता हुआ, यही भारी पड़ रहे हैं सीआईएल की टीम के लिए, अतिरिक्त रन 24। ओवर के साथ 145 रन, 1-4-5, दो विकेट नुकसान पे। गेंदबाज फिर से राजेश गुप्ता स्ट्राइक पे, बल्लेबाज अरजीत हाजरा। अंतिम 42 गेंद यहां, यहाँ पे बिल्कुल बैट का बाहरी किनारा बिल्कुल फेस खोलते हुए, अब सही संपर्क नहीं हो पाया, थोड़े से थके थके नजर आ रहे थे बल्लेबाज मिलन, हालांकि पहले ही आउट हो गए थे मगर अरजीत इस बार आउट होकर जाते हुए। अभिषेक, अरजीत और मिलन जैसे बल्लेबाज, तीनों विकेट जो कहा जा सकता है, 56 रन बनाकर जाते हुए 42 गेंदों में जोरदार अभिनंदन करें, बिल्कुल बहुत ही तालियों से इनके अर्धशतक की पारी खेली है इन्होंने। और मैं आपको बताता चलूं कि जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इनकी प्रतिभा के साथ नए बल्लेबाज कौन आता है देखना है उन्हें। पीजूस, नए बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज पीजूस, कृष्णा चुड़ा घोष दोनों साथ में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, दोनों काफी अच्छे मित्र ग्राउंड के बाहर भी और ग्राउंड के अंदर भी। पीजूस और कृष्णा चुड़ा घोष एक खुश मिजाज दिमाग के बल्लेबाज, पीजूस आक्रामक बल्लेबाज, और बहुत ही अच्छी पारी की सराहना करनी होगी अरजीत के लिए। अरजीत हाजरा जिन्होंने शानदार 50 किया और पवेलियन लौटे, अब आगे का तारमदार पीजूस और कृष्णा के कंधों पे। बेहतरीन पहले ही गेंद पे बैकफुट पंच किया और खाता खोला अपना कवर की दिशा में, एक रन के लिए क्विक खाता खुल चुका है यहाँ पीजूस का। स्ट्राइक पे फिर से बल्लेबाज कृष्णा चुड़ा घोष, बची हुई आखिरी 7 ओवर।
इस बार कहा जा सकता है कि थोड़ा यहाँ अपनी प्रतिभा के साथ तय करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कदर आसमान का, देखना फिजूल है कदर आसमान का। अगले गेंद रचनात्मक ढंग से खेल दिया, एक रन यहाँ पे, और दूसरा रन भी बना लिया। देखा कि फील्डर थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं तो उसे फिर दूसरे रन में भी तब्दील कर दिया। मैं चाहूंगा यहाँ लगा दो यार, बेहतरीन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट कृष्णा चुड़ा घोष, बाउंड्री नहीं तो सिंगल, सिंगल को तब्दील करते दो, इसी के साथ 150 रन का आंकड़ा पार। सुनना क्या नाम है कैमरामैन, हम लोग का चेहरा डबल ब्लेड से दाढ़ी बनाए, समझा ना मैडम, मार दो ले लेना है ना बोलते समय, नहीं समझा, सब वही लोग देखेगा तो हम लोग कहाँ बैठे। करारा प्रहार कवर की दिशा में, फिर से हल्की सी फंबल फील्डर से, फिर से एक आराम से दो रन लिया बल्लेबाजों ने। 14 ओवर के समाप्ति पे 153 रन बने हैं और विकेट का जो पतन हुआ है वो 3 है। इस समय दोनों ही बल्लेबाज हैं, कृष्णा चुड़ा घोष और पीयूष जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहानी में देखना कि क्या रंग भरेंगे। हालांकि बचे हुए आपको जानकारी दे दूं कि ओवर क्या है, गेंद क्या है, 6 ओवर यानी कि 36 गेंद, और इस समय जो हमने अनुमानित जो स्कोर रखा था उस पर देखना है कि क्या लेकर आएगी ईसीएल की टीम। गेंदबाजी में देखना है कि किसे कार्यभार करेंगे देंगे। राहुल मीना और वहीं फेस करते हुए यहां पे बल्लेबाज कृष्णा चुड़ा घोष कप्तान। अच्छी गेंद, बिल्कुल इस बार बल्लेबाज को कहा जा सकता है कि कथकली करने में मजबूर कर दिया, जला जवाब खेल का परिचय इस समय। डालना है तुम इधर से लेते जा रहा हूं, बेहतरीन जैसा मैं कह रहा था, कृष्णा चुड़ा के पाले में गेंद और गेंद पहुंची सीधा बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का यहां पे, लाजवाब छक्का यहां पे देखने को मिलता हुआ, और सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो कोशिश करते रहना चाहिए सीआईएल को। और कोशिश कर रहे हैं और कोशिश को तब्दील भी कर रहे हैं बड़े रनों में कृष्णा चुड़ा घोष, एक अच्छी यॉर्कर गेंद हेलीकॉप्टर शॉट को देखने को मिली। 26 गेंद में 45 रन पे खेल रहे हैं कृष्णा चुड़ा घोष, स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज पीयूष। चुड़ा घोष अगर यहां पे अपने अर्धशतक पारिल कर देते हैं, फिर से बैकफुट पंच, सलामी बल्लेबाज कृष्णा चुड़ा घोष को खिलाते हुए स्ट्राइक पे पीयूष, अपने काबिलियत को कह दूं वो सिक्स सीटिंग मशीन है, लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं पीयूष। फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉग ऑन की दिशा में और जोरदार कॉल डबल के लिए और आसानी से डबल और वन शॉट 15 की साथ 163 रन 163 तीन विकेट नुकसान पे 163 रन जो हमारे स्कोरर हैं। आप बता दे ते चलें कि आप बोर्ड को सही कर लें, 15 ओवर की समाप्ति पे 163 रन 163 तीन विकेट नुकसान पे।
उम्मीदों को पंख लगाकर उड़ने की जो तमन्ना है एशियल ने कर चालू कर दी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आपको जानकारी भी देता चला जा रहा हूँ कि मुकाबले खून से हो जिंदगी से रक्त से हूँ मैं लथपथ, रास्ते दिखाई नहीं दे रहा है, जाना है दूर तक, टूट सी जा रही है सांसे, मगर है बिन में विश्वास खुद पर, चल चल कर जाऊंगा मंजिल को पाऊंगा, अग ये है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, क्रिकेट का ही अग्निपथ। वाह सर, मंत्रमुग्ध कर रहे हैं हमारे दर्शक और खिलाड़ी को, हौसला उत्साह, बेहतरीन कमेंट्री यहाँ पुनीत सर की ओर से। तीन रन चूड़ादास को चाहिए, बहुत ही जबरदस्त अपने अर्धशतक से तीन रन दूर, 47 रन की पारी खेल रहे हुए, और कट शॉट खेल दिया यहाँ पे, बहुत ही भाग्यशाली रहे यहाँ, एक रन बिल्कुल नजदीकी मामला हो सकता था, थोड़ा सा फील्डर यहाँ पे सुस्त नजर आते हुए, ये कैच तो जरूर आ रहा है मगर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्रिकेट के बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हुए, इसी के एक रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 164 रन, और वो भर इस समय 16वां ओवर गतिमान है, और विकेट 3 आगे का सूरत हाल सहयोगी कमेंटेटर के द्वारा। सूत्र हाल में सुनाऊंगा, पर यहाँ हमारे एम्पायर्स थोड़े परेशान, हनी भी शायद उनके इर्द गिर्द घूम रही है। बेहतरीन शॉट, जैसा मैं कह रहा था, सिक्स सेटिंग मशीन, पीस 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 पीस, 6 रन, दन दनाता हुआ शॉट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ग्राउंड्समैन बॉल्स पर ध्यान दे, बहुत ही बढ़िया पीयूष, मैं इसके बारे में बता दो पीयूष कि ना थकेगा कभी ना तू झुकेगा कभी, ना तू थकेगा कभी ना तू कभी झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर ये शपथ कर ये शपथ, ये है अग्निपथ ये है अग्निपथ ये है अग्निपथ। जी हाँ, कोलिंडा का ये मुकाबला चल रहा है, जबरदस्त मुकाबलों की चाहत, और यहाँ पे इरादे बनकर बिगड़ रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे नई गेंद है, बिल्कुल बताते हुए हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं, उन्होंने दूसरी गेंद कमेंटेटर से आपसे आग्रह है कि जबरदस्त खेल की भावनाओं को देखते हुए, और कमजोर दिल वाले दर्शक इस मैच को ना देखें, क्योंकि हार्ट अटैक आ सकता है आपको, और हमारे पास डॉक्टर साहब अभी नहीं है, ग्राउंड्समैन इसलिए चाहिए वापस मुकाबले के लिए जबरदस्त खेल का परिचय करते हुए। क्या स्थिति हुई है मैं आपको जानकारी देता चलूं। धन्यवाद, एशियल ने सारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त कर रखी है, और क्यों ना हो, लाइव से आप अगर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं, और सारी दुनिया सलाम कर रही है एशियल को इस समय, कोल इंडिया का मुकाबला जो चल रहा है। पहली गेंद सिक्स सेटिंग मशीन, लगातार दो गेंदों में दो छह, बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी पीयूष, जैसा कि मैं कह रहा था लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं पीयूष, लगातार दावत दे रहे हैं गेंदबाज, तो दावत को कबूलने में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल दावत का जश्न लुप्त जो हो रहा है उसे मजे चटकारे चटकारे लेकर लुप्त ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी वापसी है गेंदबाज, बेहतरीन तेज गति से गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, अच्छी वापसी सीआईएल की ओर से। बाहर गेंद गिरी स्लॉट में, भेजा बाजू वाले प्लॉट में, गेंद स्टेडियम के बाहर, मैं बॉल्समैन को बोलूंगा। बहुत ही बढ़िया, दूसरी गेंद की भी व्यवस्था करवा, और नए गेंद है बिल्कुल, अंपायर को ज्यादा यहां मशक्कत करने की जरूरत हो रही है, और पहली बार देखने को मिल रहा है कि अंपायर भी मैदान के बाहर आ रहे हैं, आउट हो गए हैं, देख रहे हैं सपने, वो नहीं जो आप नींद में देख रहे हैं, सपने वो जो आपको नींद ना आने दे, और यहाँ पे स्कोर होता हुआ 100 कितना हो गया, 16 ओवर के साथ ही पेस टीम का कुल स्कोर 188 188 3 विकेट नुकसान पे,
पार स्कोर हमारा अनुमान स्कोर से ज्यादा होते हुए, हमने अनुमान किया था 180। गेंदबाजी में देखना है कि कौन है यहाँ पे। आज बिल्कुल तबड़तोड़ खेल का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज, गेंदबाज का विवरण नहीं मिल पा रहा आधार कार्ड से। नहीं, कौन है भैया? संदीप है जी, हाँ उद्घाटक गेंदबाज थे अपने टीम के, इस समय 48 रन पर खेलते हुए है ना, चुड़ा है ना कप्तान। हल्के हाथों से खेला, एक रन दबाव देखिए साफ झलकता हुआ कप्तान पर भी कृष्णा चुड़ादास, 49 रन इस एक रन के साथ ही स्कोर पहुंचता हुआ। हालांकि मैं दबाव की जो बातें कर रहा हूं वो 50 का है, टीम बहुत ही बढ़िया स्कोर, मगर कहा जा सकता है सीआईएल भी अपने बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। और इसे बेच यहां पे नो मैनसलॉन जन्मे गिरता हुआ, वहां पे फील्डर थोड़ा पीछे जाता हुआ, थोड़े सुस्त नजर आ रहे। आगे का सूरत हाल कॉमेंटेटर सुनी सर, जैसा कि मैं कह रहा था पीयूष आक्रामक बल्लेबाज है, वो जब तक ग्राउंड में मौजूद रहेंगे मौका बनेगा या गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी, यही दो नतीजे जब तक वो स्ट्राइक पे होंगे। और इस सिंगल के साथ कृष्णा शुला घोष 50, एक अच्छी अर्धशतक पारी, कप्तानी पारी, टीम को मझधार से निकाला कृष्णा चुड़ा घोष ने, बेहतरीन बल्ला उठाकर अभिनंदन लेते हुए कृष्णा चुड़ा घोष यहाँ पे स्ट्राइक के फिर से बल्लेबाज पीयूष होंगे। एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिल रही है यहाँ सीआईएल से भी, धन कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए बल्लेबाज को। फिर से पट की गेंद और पीयूष आउट ऑफ द पार्क, स्लॉट में गेंद और भेजी बाजू वाली प्लॉट में, बेहतरीन 6-6 हमारे एक बल्लेबाज से जिन्होंने अर्धशतक बनाया जो चौके में डील कर रहे थे, अब हमारे नए बल्लेबाज जो शिक्षक को में डील कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाज पीयूष। और एक आक्रामक बल्लेबाजी 10 गेंदों में 35 रन, क्या यहाँ पे T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का सबसे तेज अर्धशतक बना पाएंगे? 350 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज पीयूष। क्या हमें एक फास्ट 50 देखने को मिल सकती है? 14 गेंदों में 50 हुआ था एक बल्लेबाज का यहाँ फास्ट 50, अभी 10 गेंदों में 35 पे खेल रहे हैं पीयूष। फिर से बल्ला घुमाया पर कोई संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ संदीप की ओर से, छोर बदल के आए हैं गेंदबाजी करने को। बेहतरीन यॉर्कर का गेंद, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो हमको लग रहा है रॉन्ग साइड पे था, अगर बॉलर इंस पे होती। इसी के साथ 17 विकेट समाप्ति, टीम का कुल स्कोर 198 रन, 198 3 विकेट नुकसान पे। स्कोरर ध्यान देंगे 198 रन बची हुई 18 गेंदों का खेल बचा हुआ।
दशक के 220 रन का प्रदर्शन स्कोर दिखा रहा था और हमने अनुमानित किया था कि जरूर उसके करीब पहुंचेगा, मगर हमें लग रहा है कि अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो वो भी पार कर सकता है। मगर आप कहा जा सकता है कि अगर तीन ओवर में डक ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी कर ले सीआईएल तो क्या कहने, मगर वही कहते हैं इस समय क्रिकेट के जो लवर्स हैं कि ईसीएल के बाद दोनों बल्लेबाज बिल्कुल कातिलाना बल्लेबाजी करते हैं। खूबसूरत शॉट कवर में खेल दिया है, चार रन के लिए देखना जा रहा है बाउंड्री लाइन, टिन टन टिन, अरे भाई ये चौका जा रहा है और चौके मौके पे चौका लगाता हुआ जबरदस्त बल्लेबाजी चलता हुआ। लाजवाब खेल का परिचय दोनों ही बल्लेबाज ने दिया अभी तक। पीयूष के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, अगर छक्के में डील नहीं हो रहा है तो चौके से भी बातें बन रही है। इस बार थोड़ा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी और तेजी इसको भाप नहीं पाए पीयूष। बेहतरीन गेंदबाजी यहां सीआईएल के गेंदबाज से, अच्छी वापसी, हल्की तेज गेंद बीट किया बल्लेबाज पीयूष को। फिर से उठा के खेल दिया है कवर पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद और एक रन। और 203 रन, इसी के साथ ईसीएल 200 का आंकड़ा पार किया। करारा प्रहार कवर पॉइंट की दिशा में, एक रन। एक एक रन से पारी को सवारने का कार्य कर रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो मुकाबले चल रहे हैं दर्शकों की दीर्घा धीरे धीरे यहाँ पे, हालांकि कोशिश यह रह रही है कि शाम के वक्त में जब आपका मुकाबला, तो खूबसूरत शॉट बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से छह रन के लिए देखना है। और बेहतरीन वक्त, जज्बात, माहौल सब बदलते हुए यहाँ पीयूष, सिक्स सीटिंग मशीन, ऐसे ही नहीं कहते हम इन्हें, सिक्स सीटिंग मशीन पीयूष। बहुत ही बढ़िया, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, तेरे वजूद को समय की तलाश है। जबरदस्त वजूद बनाए हुए दोनों बल्लेबाज, लाजवाब खेल का परिचय। खूबसूरत शॉट इस बार बिल्कुल सेट रैप, चार रन के लिए जाता है या नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग यहाँ पे। पिंटू सर अपने भी जज्बात को थोड़े काबू में रखे हैं, यहाँ बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ सीआईएल के। इसी के साथ 18वीं समाप्ति में 211 रन, 2-1-1, 3 विकेट नुकसान पे बेहतरीन बल्लेबाजी कृष्णा शिवा घोष और उनका बस साथी पीयूष। हेलो, बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसे मौके कम देखने को मिलते हैं जब ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिलती। ताबड़तोड़ आक्रमण कर रखा है, और फिर से उठा के खेल दिया है और छह, इसी के साथ पीयूष अर्ध शतक पूरा किया, 18 गेंदों में 14 रन की पारी, एक आक्रामक पारी, तीज पारी पीयूष, 2-3-3 अर्ध शतक वीर टीम में मौजूद। अर्ध शतक की पारी इस बात से नहीं है कि इन्होंने ज्यादा गेंद कहा जा सकता है, जिन्होंने बताया था कि 14 गेंद या 15 गेंद में बन जाएंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि टीम के लिए खेल रहे हैं और यहां पे इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टिक में भटके, अंपायर के दोनों हाथे
यहाँ पे फैलती हुई और आ गले लग जाओ, इन्होंने इशारा किया जबरदस्त भर दिया। हल्की सी टांगों की दिशा पे गेंद, गेंद टकराई थाई पैड्स पे और तीन का इशारा और तीन ले लिया चतुर बल्लेबाजी, चतुर रनिंग बिटवीन द विकेट और लेग बाय का इशारा एम्पायर की ओर से, लेग बाय में भी तीन भाग जा रहे हैं बल्लेबाज, तो फिटनेस काफी चुस्त दुरुस्त दोनों बल्लेबाज। हेलो यहाँ पे मौका था फील्डिंग अच्छा करने का, मगर उसे भी कहा जा सकता कि तेज प्रहार से बहुत ही तेज शॉट खेले गए देते हुए, एक एक रन से पारी को शवारने का कार्य करते हुए। बिल्कुल गगन चुंबिए यहां पे छह रन के लिए, आज काफी कसरत कर रहे हैं दोनों ही अंपायर, लाजवाब दोनों ही अंपायर। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपनी प्रतिभा के साथ न्याय इन्होंने जबरदस्त की है और कहा जा सकता है कि उम्मीद के पंख लगा करो। बेहतरीन बल्लेबाजी पीयूष की ओर से, पीयूष के बल्ले से बिल्कुल आग उगल रहा है, 20 गेंदों में 60 रन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। गेंदबाज का उठा के खेल दिया है, इस बार फिर से फील्डर नीचे मौजूद पर कोई मौका नहीं, क्या हुआ? और देखना दिलचस्प होगा, एम्पायर का इशारा, दो रन उसी के साथ ओवर और 19 ओवर की समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 230 रन, 230 तीन विकेट के नुकसान पे और ये आखिरी ओवर होगा। स्ट्राइक पे होंगे अब कप्तान बल्लेबाज कृष्णा शोभा घोष, 9 स्ट्राइक एंड पे खतरनाक पीयूष और गेंद होगी नीरज के हाथों में, नीरज आए हैं अंतिम ओवर नेट ओवर करने के लिए और मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगा ईसीएल और वहीं सीआईएल के खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि कम से कम रन दे। गेंद और बेहतरीन कवर की दिशा में उठा के खेल दिया है, गैप को भेद दिया है और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां लॉन्ग ऑफ की दिशा से भाग के पकड़ा कवर की दिशा में फील्डर ने और दो रन इसी के साथ। क्रिकेट के दीवाने कहा जा सकता है कि आज एक चमत्कारी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देख रहे हैं। कसके बल्ला घुमाया पर कोई संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहां धीरज की ओर से, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक टप्पा दो टप्पा और गेंद सीमा रखे बाहर, चार रन, बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी कप्तानी पारी कृष्णा चुड़ा घोष की। बची हुई आखिरी तीन गेंदें, स्ट्राइक पे बल्लेबाज कृष्णा चुड़ा घोष, करारा प्रहार, अच्छी फील्डिंग और एक रन इसी के साथ, स्ट्राइक पे सिक्स सिटिंग मशीन पीयूष।
पीयूष जो कि अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और तेज गति के गेंदबाज भी है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ, फिर से बल्ला घुमाया, गेंद फिर से हवा में पर नो मैन्स लैंड। बल्लेबाज तो कैच दे रहे हैं मगर फील्डर को कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मशक्कत करने की जरूरत, और किस्मत के घोड़े में सवार इस समय दोनों बल्लेबाज। किस्मत भी उसी के साथ होता है जो बहादुर होता है, और दोनों बहादुर। जोरदार प्रहार और डबल्स की कॉल्स और इसी और ट्रिपल्स का भी कॉल हो सकता है। फिर से वन शॉट, इस पारी में दो बार डबल लेने की मंशा में डबल वन शॉट। दो सौ उनचालीस रन बनाए हैं 20 ओवर में ईसीएल ने, और आपको जानकारी दे दो कि 240 रन बनाने हैं सीआईएल को। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों ही अंपायर इस समय मैदान से बाहर आते हुए काफी मशक्कत किया है जिन्होंने, चौके और छक्के में जो डील हुई है बिल्कुल बाछे बिल्कुल दर्द दे रहे हैं। आइए पैरासिटामोल ले। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं मैं बता दूं सीआईएल इंटर क्रिकेट कमी बीस मिनट का ब्रेक है। और सीआईएल इंटर कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का लीग मैचेस का पहला मैच ईसीएल बनाम सीआईएल, सिक्का उछला और गया ईसीएल के पक्ष में, और ईसीएल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन का लक्ष्य रखा है सीआईएल को। पहले बल्लेबाजी करते हुए अजीत हाजरा ने 56 रन की पारी खेली, उसके बाद अभिषेक मुखर्जी 11, मिलन 21, कृष्णा चुड़ा घोष 60 और तेज तर्रार पारी तेज गेंद में पीयूष मुखर्जी 63 रन, जिसमें 28 रन एक्स्ट्रा रहे सीआईएल की ओर से। और मैं 20 मिनट के ब्रेक के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा कि ग्राउंड में जल्द से जल्द उतर जाए। और मैं दर्शकों से अनुरोध करना दिल थाम के बैठे रहे, एक छोटे से लम्हे और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।
एक बार मैं फिर से अनुरोध करूंगा हमारे एम्पायर्स ग्राउंड में आ जाएं, खेल को अब जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि दोनों टीम के खिलाड़ी तैयार हैं। हमारे ECL के टीम ग्राउंड में उतर चुकी है वार्म अप करते हुए, और जैसा कि मैं देख सकता हूं कि CIL के भी टीम के बल्लेबाज पैड अप्स करके तैयार।
हेलो 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 हेलो, मैं दोनों एम्पायर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ग्राउंड में पुनः वापस आएं और खेल को आरंभ करें। हमारे दोनों टीम के खिलाड़ी हैं, तैयार हैं बीच मैदान में। पिंटू सर, दोनों एम्पायर बुलाइए सर, गेस्ट हाउस। हेलो हेलो, राजा भैया, राजा भैया जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा आएंगे।
हमारे दोनों एम्पायर्स ग्राउंड में मौजूद, मैं जल्द से जल्द आग्रह करूंगा कि मैच को पुनः आरंभ करें। और हमारे मुख्य कमेंटेटर पिंटू सर हमारे साथ पुनः जुड़ते हुए। बैट्समैन नेम, एक खिलाड़ी यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। सीआईएल के एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। संजय मिश्रा यहां पे फेस करते हुए अनिरुद्ध है नॉन स्टैक में। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा आज, जहां तक का सवाल। पावर प्ले का पहला ओवर यहां पे। बिल्कुल यहां पे फर्स्ट टाइम, बहुत ही फैन डिलीवरी, बहुत ही खूबसूरत गेंद, मगर उसी तरह से बल्लेबाजी भी कलात्मक बल्लेबाजी, बिल्कुल रचनात्मक ढंग से बिल्कुल खेल दिया उसी दिशा पर। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू बैक गेंदबाज यहां पे हमसे दूर, गेंदबाजी के लिए तैयार दीपक कुमार सिंह, जबरदस्त गेंदबाजों में से शुमार, हाईएस्ट यहां पे बहुत ही विकेट टेकरों के रूप में उभर कर आए हैं दीपक कुमार। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार, फुल लैंड डिलीवरी यहां पे हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेल दिया, कोई रन नहीं। पहला ओवर जल रहा है, राइट हैंड ओवर विकेट, तेज गेंदबाजी यहां पे। मिलन नंदी ठीक हमारे सामने ऑफ साइड में। ओहो, संजय मिश्रा के यहाँ पे डक पे आउट होकर जाते हुए बैट का ग्लव्स का यहाँ पे बाहरी किनारा लिया और गेंद बिल्कुल ग्लव्स को किस करते हुए सीधा विकेट कीपर के मजबूत दास्ताने में जाकर समाता और बिना कोई रन बनाए हुए संजय मिश्रा पवेलियन की राह पकड़ते हुए।
पहला विकेट शून्य पर गिरा और कहा जा सकता है कि जितनी तेज से गेंद यहाँ पे गुड लाइन से टप्पा खाने के बाद उठी और तेजी से भी पकड़ी और बिल्कुल बल्लेबाज उसे उस लेंथ को जज नहीं कर पाए और बहुत ही बढ़िया मुकाबला। बहुत ही बढ़िया ओ बहुत ही अच्छी नए बल्लेबाज इस समय मैदान में प्रवेश कर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और विवरण नहीं मिल पाया है। ये गेंदबाजी के बाद ओवर के बाद आपको बताया चला जाऊंगा। नंदी बॉल है, प्ले डाउन हो गए यहां पे और गेंदबाज बल्लेबाज का नाम बताए, बल्लेबाज का नाम बात पूछ लेना। सोमोजित जी हाँ, बिना कोई रन बनाए दो विकेट बैक टू बैक यहां पे विकेट गिरता हुआ। बिलासपुर की टीम ही देखो सुन रहा था ना एसीएल। बल्लेबाज देखना है कि कौन आता है। मैं चाहूंगा थर्ड मैन के जो खिलाड़ी हैं शॉर्ट थर्ड मैन में उनसे कि आप उनका विवरण जरूर प्रसारित कर देंगे एसीएल में। एक ओवर की समाप्ति पर दो विकेट का पतन हो गया है और देखते देखते कहा जा सकता है कि फेस करते हुए इस समय नहीं बल्लेबाज का आना बाकी, नाम जरूर पूछ लेंगे ध्यान देंगे। अजय नाम पता करो, हिमांशु। गेंदबाज राजा बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन डिलीवरी यहां पे ब्लॉक होल में डालने की कोशिश मगर जड़ को खोद कर निकाला जबरदस्त यहां बल्लेबाजी। और आपको जानकारी देता चलो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हुआ इस समय एसीएल दो विकेट। अच्छी गेंद मगर उतनी खूबसूरत विकेट कीपिंग यहां पे विकेट कीपर के द्वारा। अभिषेक मुखर्जी हैं विकेट कीपर। एक गली लिया है, एक दो स्लिप पॉइंट है, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप। और यहां कहा जा सकता है कि बहुत ही बढ़िया बंद मत कर बहुत ही तेज यहां हल्की हल्की जो हवाएं चल रही है वो निर्भर करता हुआ। इसे कट शॉट खेल दिया स्क्वायर के जाने मगर वहां पे फील्डर मौजूद हैं
अच्छे फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया बैकफुट में जाकर इसे रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। लेग साइड के जानिब जाता हुआ रन बनता हुआ यहाँ पे एक रन, यहाँ पे इस एक रन पे दो विकेट का पतन हो गया है। यहाँ दूसरा ओवर मझधार में थोड़ा सा फंसता हुआ सीआईएल। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार दो ओवर की समाप्ति पर एक रन और दो विकेट का पतन हुआ है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा जरूर राहत की सांसें ली थी लेते हुए ईसीएल के कप्तान। और यहां पे कहा जा सकता है कि जीतने के लिए जो दरकार है, मैं आपको बताता चलूं, सुबह के सत्र टॉस जीता ईसीएल ने और पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पे फैसला लिया। 20 ओवर की पूरी अपने कोटे का खेलते हुए उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी, तीन अर्धशतक के बीरों का देखने को मिला और कहा जा सकता कि रनों के जो है दो। हाँ बढ़िया, अच्छी गेंद, बिल्कुल बल्ले खींचते चले गए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा जा सकता है कि सही टप्पे पे गेंद पड़ता हुआ। खूबसूरत कट शॉट स्क्वायर यहां पे कहा जा सकता है, लाजवाब प्रदर्शन यहां चार रन के लिए। टिन टन टिन, अरे भाई ये मौका है यहां, और ऐसे चौकों पे मौकों पे लगाया गया ये चौका, और रनों की जो संख्या है वो इस समय 5। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, मगर उतने ही खूबसूरत बल्लेबाजी भी इस चौके के साथ। ओहो, यहां फ्रंट फुट में बिल्कुल ड्राइव करने की चाहती, मगर कहते हैं कि इस तरह की बल्लेबाजी आप थोड़ा सा पिच पे रहकर अगर आप टिक कर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपकी बॉल गेंद खुद बखुद कनेक्ट होता चला जाएगा। आइए वापस मुकाबले के लिए फिर एक बार, तीसरा ओवर गतिमान है इस समय। कट शॉट फिर गली के जानिब खेल दिया, यहां पे मौजूद वहां पे फील्डर, कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग सीधे फील्डर के पास। ऑन साइड ऑफ साइड में जबरदस्त प्रदर्शन यहां पे, और कहा जा सकता है कि जो स्थिति है अपने काबू में कर लिया है ईसीएल। विश्व भर में 140 रनों का टारगेट और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां इस अतिरिक्त रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 6 नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति में, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट का इनर एज लगता हुआ थर्ड मैन के जानिब 4 रन के लिए। और यहां पे कहा जा सकता है कि रन T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में किसी तरह से भी बनने चाहिए, आने चाहिए, वो रन इस समय मिलता हुआ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं बल्लेबाज अनिरुद्ध नायक। और वहीं तीन ओवर की समाप्ति पर तीन ओवर ना 10 रन विकेट के नुकसान पे 10 रन यहां तीन ओवर की समाप्ति। इसको बोर्ड आप एडजस्ट कर लें। स्कोरर जो हमारे मुख्य स्कोरर हैं वहां पे 10 रन बने हैं तीन ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पे सीआईएल की टीम का जहां तक का सूरत हाल। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है। खूबसूरत शॉट यहां पे ऑन साइड में बहुत ही जबरदस्त खेल का परिचय ऑफ साइड में बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज को अपने माइंड को जैसा शार्प रखने की जरूरत। बहुत ही अच्छी गेंद गोल्डन से टप्पा खाने के बाद सीधे उठी और बल्लेबाज को यहां मुच रहाया और सीधा मजबूत हाथों में विकेट कीपर की। विकेट कीपर जिनकी प्रतिभा को कहा जा सकता है कि बहुत ही बढ़िया लोकल टॉस गेंदी उसे पढ़ लिया और सीधा यहां खेलते हुए स्क्वायर लग के चले। जबरदस्त प्रदर्शन यहां लेग शॉट भी खेल दिया। एक मौका जरूर बनता हुआ पनपता हुआ और ऐसे में अगर दावत देते हैं तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत शॉट आउटफील्ड काफी तेज आ रहा है यहां पे निश्चित तौर पर 4 रन फील्डर बैक टू बैक 2 चौके यहां जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इस समय इस ओवर में अच्छा रन मिलता हुआ और लाजवाब खेल का परिचय यहां पे। चार ओवर की समाप्ति पर 20 रन और 2 विकेट का पतन हो गया है। आपको जानकारी देता चलो इस समय इरादे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो मंजिलें हैं उन्हें पाने के लिए बिल्कुल अत्र है सेयल भी। और मैं आप हमेशा कहता हूं कि जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाए तब तक किसी को जीता हुआ नहीं कह सकते आप और किसी को हरा हुआ नहीं कह सकते। जी पिंटू सर, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, बेहतरीन खेल। क्रिकेट कभी भी बदल सकता है किसी भी क्षण। जैसे हमने देखा काफ़ी दर्द हुआ था हमें वर्ल्ड कप में इंडिया बना बहुत ही बढ़िया मुकाबला। और यहां पे
विकेट कीपर से मिस फील्ड होता हुआ, कलेक्ट तो कर लिया था मगर मिस फील्ड होता हुआ और यहां रन। मैं हमेशा कहता हूं यहां एसीसीएल की टीम मैदान से बाहर जाती है। आपका हम स्वागत करते हैं, आपने आया यहां पे और निश्चित तौर पर अपने कल के मुकाबले जरूर आप तक हम जरूर देखना चाहेंगे। एसीसीएल के खिलाड़ियों में एक जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद है और बिल्कुल दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी भी मौजूद है एसीसीएल में। आज मुकाबला देखने को मिलेगा, जबरदस्त प्रदर्शन मुकाबले की चाहत। आइए वापस मुकाबले के लिए चलते हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड में आगे का जानकारी लेते। बेहतरीन स्थिति में अभी ईसीएल आपको देखने को मिल रही है क्योंकि पहले सिक्का उछला गिरा ईसीएल के पक्ष में और पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल का स्कोर 240 रन का लक्ष्य और अभी बल्लेबाजी करते हुए सीआईएल बेहतरीन बल्ला घुमाया है, खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा के ऊपर से चार रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज की ओर से सीआईएल जो शुरुआती झटके लगे उसके बाद पारी को संभालते हुए दोनों बल्लेबाज। अगर इस मैच को जीतना है तो एक अच्छी बल्लेबाजी पार्टनरशिप देनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलेगा आवाज पे और खूबसूरत तरीके से खेल का मुजहरा पेश करता हुआ। ओहो क्या कहने हैं यहां, अच्छी गेंद बिल्कुल और सम्मान देते हुए बल्लेबाज। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समूह को कहा जाता है ईसीएल और यहाँ पे कोल इंडिया का क्रिकेट प्रतियोगिता चल रहा है, जेंटलमैन खेलों का कहा जा सकता है खेल। बहुत तेजी से विकेट और यहां विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन ग्लव वर्क यहाँ विकेट कीपर की ओर से, काफी क्विक स्टंपिंग, एक बॉल पहले ही विकेट के ऊपर आए थे, हेलमेट मंगाया और चलता किया अच्छी स्टंपिंग। बहुत ही खूबसूरत स्टैंपिंग यहाँ देखने को मिलता हुआ, पलक झपकी। मैं हमेशा कहता हूँ कोल इंडिया का स्लोगन भी है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटे और सावधानी यहाँ पे हटती हुई, हालांकि थोड़ा सा मायूस जरूर हुए हैं यहाँ पे बल्लेबाज। लाजवाब खेल का मुजहरा पेश करते हुए, जबरदस्त कहा जा सकता है। दो यहां खेले होंगे तो कल दो वहां मैच खेले जाएंगे। और यहां बल्लेबाज जल्द से जल्द समय को ध्यान में रखते हो क्योंकि नियमता भी होता है और क्रिकेट में आप समझ सकते हैं कि दो मिनट के अंदर मैदान में आप प्रवेश नहीं करते हैं तो आपके बिल्कुल चेक मिल गया है। नहीं अर्जुन, अर्जुन खाना मैंने चेक वहां जमा कर दिया। मिलन नंदी धन्यवाद आपका। हम लोग बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा और यहां कहा जा सकता है कि
मौका जरूर था मगर बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज देखना कौन आए हैं उनका जानकार है, राहुल मीना है नए बल्लेबाज। और कहा जा सकता है कि राहुल के बल्लेबाजी में वो स्थिरता नजर आती है जिसमें सीआईएल के खिलाड़ी, अगर राहुल मीना यहां से अपनी टीम को जिता कर ले जाते हैं तो मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे। पांच ओवर की समाप्ति पर 25 रन बने हैं और तीन बल्लेबाज पेविलियन की राह पकड़ चुका है। गेंदबाजी में दीपक है, छोर चेंज किया है यहां पे दीपक ने, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं दीपक कि कौन छोर से हम पंजा मार सकते हैं अगली टीम को। मगर सीआईएल के भी खिलाड़ी बहुत ही मजे हुए बल्लेबाजों में, दोनों बल्लेबाज इस समय बॉल है। यहां पे पहली गेंद पर सही टप्पे पे जाता हुआ और कहानी में देखना कि कितना रंग भरते हैं। जबरदस्त यहां पे विकेट का पतन होता हुआ, चौथा विकेट का कहा जा सकता है तुचल में आए की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया टीम को। ऐसे मुकाबले में आप कहते हैं भी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने की जरूरत, इस तरह की हेलो, मैं कमेंटेटर बॉक्स में थोड़ा पानी का व्यवस्था किया जाए। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। थैंक यू राजेश, फिर से बल्लेबाज तैयार, राजेश सामना करेंगे दीपक। बेहतरीन यॉर्कर गेंद, अच्छे सीधे बल्ले से बचाया अपने आप को राजेश ने, अच्छे बल्लेबाज राजेश सामना कर रहे हैं दीपक का। एक T20 में टेस्ट की फील्ड देखने को मिल रही है हमें, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप, बेहतरीन गेंद और ये रन लिया, रन कंप्लीट किया, सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज में मौजूद। फिर से एक यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज
ने फिर से बल्ला अड़ाया और खुद को बचाया। एक फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर की ओर से। जैसा कि मैं फील्ड के बारे में बता रहा था, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, कैचिंग गली, एक फ्लाइंग स्लिप भी दिखने को मिल रही है कप्तान कृष्णा चोड़ा घोष की ओर से। फिर से तब्दीली, एक एक्स्ट्रा स्लिप दिखते हुए T20 में टेस्ट की फील्ड देखने को मिल रही है। फिर से आउट गोइंग गेंद, बल्लेबाज बीट। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार क्वार्टर सेंट्स के ओर से अजय। बेहतरीन गेंद, सीधे बल्ले से खेला बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। फिर से कवर दिशा में पुश किया है बल्लेबाज, लेकिन फील्डर मौजूद मानिक। बेहतरीन गेंद अजय की ओर से, अजय लोकल बॉय। एक बार और अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अजय। फिर से सीधे बल्ले से खेला यहाँ राजेश गुप्ता ने, रन का कॉल, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया मीना जी ने। फिर से एक अच्छी गेंद, चारों खाने चित किया बल्लेबाज को। एक और डॉट गेंद, बेहतरीन कवर दिशा में पुश किया है, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ मानिक की ओर से, कोई रन नहीं लेने का मौका। और इसी के साथ सात ओवर समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 27 रन, 2 के पीछे 7, 4 विकेटों के पतन में। और इस टूर्नामेंट का पहला मेडन अजय के नाम। ग्राउंड पे नाते हुए गेंदबाजी के लिए पीयूष मुखर्जी, सिक्स सिटिंग मशीन, अब
गेंद होगी इनके हाथों में, अब देखते हैं गेंद से क्या कमाल करके दिखाते हैं हमें। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज राहुल मीना, सामना करेंगे पीयूष मुखर्जी का। करारा प्रहार, कवर की दिशा में खेल दिया उठा के फील्डर कोशिश करते हुए, लेकिन दन दन आता हुआ गोली गिरता से गेंद जमी को चीटती हुई चार रनों के लिए। बेहतरीन शॉट राहुल की ओर से, पहली गेंद पे पीयूष को चौका दिखाया, सीधा बल्ला चार रन। बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को बीट किया। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज कट करना चाह रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से। एक और डॉट गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, गेंद जाके टकराई सीधे पैरों पे, और इसी के साथ तो विकेट समाप्ति। 8 ओवर समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 32, 3 के पीछे 2, 4 विकेट नुकसान पे। कहा जा सकता है कि थोड़ा सा यहाँ सजग रहने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि दिलाप धड़कता है धड़काए नहीं जाता, दिलाप धड़कता है धड़काए नहीं जाता, ये राजे मोहब्बत हर किसी को बताया नहीं जाता। दोनों ही हमारे अंपायर बिल्कुल सजग नजर आ रहे हैं और लाजवाब प्रदर्शन यहां आज मुकाबले की इसी बात पर, कितना राज है इस पिच पे वो तो अब बाद में खुलेगा। आज गेंदबाजी में क्या रंग लेकर भरेंगे गेंदबाज, क्या नाम उनका, राजा, उठाकर खेल दिया है बिल्कुल अच्छा प्रयास, लाजवाब प्रयास यहां पे फील्डिंग। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहां अजय की ओर से, अच्छी फील्डिंग डाइविंग एफर्ट टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बचा है। एक बार फिर राजा, दिशाहीन गेंदबाजी, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ते हुए सीआईएल के क्षेत्र में। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, फील्डिंग में प्लेसिंग में देख सकते हैं आप जो सजावट है फील्डिंग में,
दो स्लिप, एक गली थर्ड मैन और एक ऑन साइड में रखा गया है और मिड विकेट, मगर फील्डर मौजूद है। डीप फाइन लेग पे एक बाहर निकालते हुए शॉर्ट मिड विकेट रखा है और मैं आपको बताता चलो एक लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ करें माफ करें, लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ है यहाँ और निश्चित तौर पर फिर यहाँ एक रन नंदी से पहले कि फील्ड कर पाते हैं। एक रन बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया यहां पे लक्षात्मक ढंग से खेलते हुए अंसठ में एक रन। विविधताएं डालने के अपने अंगल को रोल किया था मगर थोड़ा सा यहां बेवफा निकली गेंद, कहीं पर गेंद डालना चाह रहे थे, गेंद गया नहीं उस जगह टप्पे पे। राजा की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया बैट का बाहरी किनारा मिलते हुए और फील्डर वहां मौजूद है, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा अपने बल्लेबाज को। ओवर नौ ओवर और इस ओवर के बाद बिल्कुल ड्रिंक्स इंटरवेल रखा जाएगा। मैं ड्रिंक्स इंटरवेल के जितने भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इसी के साथ नौ ओवर की समाप्ति पे 34 रन 3 के पीछे 4 चार विकेट नुकसान पे, माफ करिए 39 रन 39 नौ ओवर की समाप्ति पे 39 रन 4 विकेट नुकसान पे। कसी हुई गेंदबाजी यहाँ ईसीएल की ओर से सीआईएल के बल्लेबाजों को बांध के रखा है, लगातार विकेटों का पतन, इस विकेटों का पतन को रोक के एक अच्छी साझेदारी देनी होगी अगर एक विशाल का लक्ष्य का पीछा करना है तो। 240 रन बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से छोर बदल क्या है वो गेंदबाजी करने के लिए अजय, बेहतरीन फुल टॉस गेंद थी पर यॉर्क बनाया अपने लिए और चलता किया बल्लेबाज को, बल्लेबाज को स्लो डिलीवरी में यहाँ पे चकमा दिया है, गेंद के ग्रिप पर कहा जा सकता है कि अंगल फेरा और इस पर वो पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज और सीधा विकेट से दिल लगा बैठे गेंद और विकेट का पतन हो गया है और आउट होने ले बल्लेबाज थे। आपको जानकारी दे दो राहुल मीना, कितना विकेट गिर गया, 5 विकेट का पतन हो गया है बिल्कुल। जिसपे एसीएल जीत जाए वही अच्छा, शुभेंदु जबरदस्त पिच क्रिएटिंग किया है आज इन्होंने और कहा जा सकता है कोटि कोटि धन्यवाद है हमसे आपका शुभेंदु,
पिच क्यूरेटर मौजूद है हमारे साथ जिन्होंने बनाया है अभिनन बॉन्स नहीं बहुत अच्छी बल्लेबाज है। आइए वापस इसल परिवार ने कहा जा सकता है कि पूरा इस क्रिकेट को कहा जा सकता है कि बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर इस पूरी प्रतियोगिता को कहा जा सकता है कि एक नया आयाम देने का कोशिश किया है। और ये चमचमाती हुई जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये इसका क्या नाम है झारगाम का यह स्टेडियम झालबागान का जो स्टेडियम है निश्चित तौर पर ये क्रिकेट का मैदान एक अलग ही इतिहास के पन्ने में ढूंढता हुआ बैट्समैन इस समय देखना कि कौन बल्लेबाज है मंतोष हैं जिन्होंने गेंदबाजी में भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। अब बल्लेबाजी की बारी है मंतोष और यहां पे छठे विकेट के रूप में मंतोष आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार बैक टू बैक अच्छी गेंदों के कहे जा सकते हैं। और मैं आपको बताता चलो कि नई फसल है ये खिलाड़ी और इसके फसल को बिल्कुल सही टाइम पे काटने का जो प्रबंध कर रखा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए अपेंद्रे और यहां पे बिल्कुल गेंद हवा में है बिल्कुल नो मैन्स लैंड में हालांकि दो रन पूरा कर दिया है हमारे साथ इस समय कैमरामैन क्या नाम है बंधु आपका कैमरामैन क्या नाम है आपका बंधु आपका नाम चंदन है बिल्कुल गेंद को बिल्कुल नजदीकी से ले गए थे बॉल हैम यहां पे छठा विकेट का पतन होता हुआ और तू चल में आई की स्थिति मिलाकर कर दिया है सीआईएल की टीम को बिल्कुल जल्दबाजी में कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि गेंद को थोड़ी नीचे जरूर रही मगर कोई फुटवर्क नहीं मिला देखने को छठा विकेट का पतन हो गया। रनों की जो संख्या है मैं आपको बताता चलूं बाबू बताइए 10 ओवर की समाप्ति पर 41 रन और 6 बल्लेबाज पेविलियन की राह पकड़ चुका है। अब तो सवाल यह है कि कितना रन और बनाने देते हैं बिल्कुल हम हैं कोल इंडिया और कोल इंडिया का इस समय मुकाबला कहा जा सकता है मैच चलता हुआ नए बल्लेबाज का विवरण नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा ईसीएल के खिलाड़ी से किसी भी खिलाड़ी से कि आप उनका विवरण जरूर लें। रोशन आए हैं अपनी टीम को रोशन पाठक नए बल्लेबाज
सीआईएल के खिलाड़ी हैं रोशन पाठक, जिनकी उम्मीदें टिमटिमा कर रह रही है। अच्छी गेंद, खींची हुई थोड़ी गेंद, गेंदबाज हमसे दूर, गेंदबाजी के लिए तैयार नंदी, पीयूष है गेंदबाज। ओहो, बल्लेबाज बिल्कुल कहा जा सकता है कि चौकन्ने नहीं होते तो बिल्कुल कान के सामने सिट्टी बजाकर चले गए और यहां पे सीधे विकेट कीपर के मजबूत दास्तान में जाता। बहुत ही अच्छी गेंद, गोल्ड लाइन से टप्पा खा के सीधे विकेट कीपर के मजबूत दास्तानों में जाता हुआ, मगर इससे पहले बल्लेबाज को कानों में सिट्टी बजाते हुए बहुत ही अच्छा विकेटों के बीच में भागते हुए शरीर को बिल्कुल रख लिया सामने और कहा जा सकता है कि एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। पीयूष हैं गेंदबाजी, वापस बॉलिंग मार्क में जाते हुए दाएं हाथ के ओवर द विकेट मीडियम तेज गेंदबाज ईसीएल के। और इसे बल्लेबाज ने बिल्कुल बल्ला पे आने दिया और स्टेयर कर दिया था गली और ठंड बन के जाने, मगर सीधे फील्डर वहां मौजूद है गली में फील्डर के पास। चंदन बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा और लाजवाब प्रदर्शन यहां देखते बनता हुआ इस पूरी प्रतियोगिता को घर घर की कहानी बनाकर रख लिया है एशियल ने और उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ता हुआ अपने चाले कहा जा सकता है 240 रन जो बनाए 20 ओवर की समाप्ति पर। ईसीएल ने आपको शुरुआती बताता चलो टॉस जीता, ईसीएल ने पहले बल्लेबाजी का मन बनाया और इस समय सीआईएल बल्लेबाजी करता हुआ। अच्छी गेंद, बल्लेबाज खींचते चले गए गेंद के पीछे पीछे और 11 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। आगे का हाल हमारे सहयोगी कॉमेंटेटर। 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड को लिख रहे अपडेट करते रहे। एक अच्छी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ ईसीएल की क्षेत्र की ओर से। अब गेंद होगी कप्तान कृष्णचूड़ा घोष के हाथों में और सीआईएल के बल्लेबाज होंगे क्रीज पे। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, मैच का अनुमानित जो कहा जा सकता है कि देखना कि बचे हुए ओवरों में कितना रन बना पाता है सीआईएल अपने शेष खिलाड़ियों का। बहुत ही अच्छी गेंद, कला ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, गेंदबाज दो छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार। बोलो, तुम नहीं बोल रहा कप्तान है। अच्छी गेंद, सीआईएल की टीम से कि जो मैं बातें कर रहा हूं, जो इस पूरी प्रतियोगिता को करा रहा है, क्रिकेट टीम की नहीं, मैं इस पूरी प्रतियोगिता की जो जो कराता हुआ
टीम का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इस बीच बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को, उम्मीदों के जो पंख एक स्ट्राइक बल्लेबाज राजेश और उनका साथ दे रहे रोशन पाठक, गेंद कृष्णा चुड़ा घोष के हाथों में, एक अच्छी ऑफ स्पिनर है कृष्णा चुड़ा घोष, उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ देखने को मिल रही है मानिक से, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की, माफ करिए मिलन, हल्के हाथों से दिशा दिखाई, बैट का फेस खोला और एक रन, चतुराई भरी बल्लेबाजी, स्ट्राइक पिया बल्लेबाज रोशन, सामना करेंगे कृष्णा का, बेहतरीन गेंद अच्छी अपील पर एम्पायर नाखुश, बारहवीं समाप्ति पे 43 रन, चार के पीछे तीन, छह विकेट नुकसान पे, बेहतरीन गेंदबाजी, अब गेंद होगी सुपरस्टार रजनीकांत के हाथों में, स्ट्राइक पे बल्लेबाज राजेश गुप्ता, हल्की सी टांगों को पकड़े हाथों तो से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग यहाँ अभिजीत की ओर से, बेहतरीन एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज रोशन, एक अच्छी गेंदबाजी के मुजाहरा रजनीकांत की ओर से, थोड़ी सी रनअप में परेशानी यहाँ, एम्पायर का इशारा डेड गेंद, हल्की सी तेज गति की गेंद, बल्लेबाज ने डिफेंस किया, बेहतरीन उठा लिया कवर की दिशा में, दन दन आता है सौ के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी है रोशन की ओर से, मौका मिला और खोला बैट का फेस और चार रन बटोरा, एक बार फिर गेंद होगी कप्तान कृष्णा चुड़ा घोष के हाथों में, 13 ओवर की समाप्ति पे 48 रन, चार के पीछे 8, 6 विकेट नुकसान पे, सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां सुजीतो की ओर से, फील्ड में हल्की सी तब्दीली, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ललचाना चाह रहे बल्लेबाज को कृष्णा चुड़ा घोष, बेहतरीन गेंद, और एक मिस फील्ड, एक कैच का मौका था पर कैच छूटा, उसी के साथ चार रन, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अर्जुन
एक तेज गति की गेंद, स्पिनर रजनीकांत की ओर से, रोशन ने डिफेंस किया। बेहतरीन गेंद, अच्छे सीधे बल्ले से खेला बल्लेबाज ने। बहुत ही सीधा गेंद जाके टकराई विकेटों पे और पत वापस किया रोशन को पवेलियन की ओर। इसी के साथ 7 विकेट का पतन हो चुका है इसी और 186 रन की आवश्यकता सीआईएल को। नए बल्लेबाज स्ट्राइक की ओर बढ़ते हुए संदीप, मैच का दूसरा मेडन ओवर आया रजनीकांत की प्लस विकेट। फिर से लगातार 2 बार टकराई थी गेंद, अपील किया था पर बचे हुए थे, लेकिन इस बार सामने पाए गए बल्लेबाज, जोरदार अपील और चलता किया बल्लेबाज को पवेलियन की ओर कृष्णा चोड़ा घोष ने। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। अब बची हुई 2 विकेट। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से टिप किया, रन लेना चाह रहे बल्लेबाज पर कोई मौका नहीं। अब ईसीएल को जीत के लिए मात्र 2 विकेट की आवश्यकता। काफी तेज गति से गेंद डाली, बल्लेबाज नीरज को बीट किया।
16 ओवर की समाप्ति पे 54 रन, 5 के पीछे 4 और 8 विकेट के पतन पे फिर से एक बार मेडन प्लस विकेट ओवर, इस बार कृष्णा चुड़ा घोष की ओर से, इससे पहले रजनीकांत की ओर से, उससे पहले अजय हिला की ओर से और उससे पहले दीपक की ओर से, माफ करिएगा अजय, माफ करिएगा। माफ करिएगा, गलती थी अजय कुमार, थोड़ी सी कन्फ्यूजन। नए गेंदबाज सिद्धिप्त कर्मकार, लोकल बॉय, यहाँ प्रचलित नाम बिट्टू। देखा जा सकता है फिर से एक और डॉट गेंद, बिट्टू का आते ही दर्शकों में काफी उल्लास बढ़ चुका है। सुजीत कर्मकार, निक नेम बिट्टू, सुदित्तो कर्मकार हैं गेंदबाज और सामने हैं बल्लेबाज इस समय। संदीप सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार खेला, हल्के हाथों से रक्षात्मक ढंग से खेल दिया। रनों की जो संख्या है आपको बताते चले, इस समय 54 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पे। जहां तक का सवाल है कि भी कि हार की सोच गहरी हो जाए तो जीतने के इरादे कमजोर पड़ जाते हैं, उस इरादे के कमजोर इरादे से थोड़ा निकालने की जरूरत है सीआईएल और एक बढ़िया मुकाबला देने की जरूरत है, जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा। कृष्णा चुड़ा घोष का आखिरी ओवर, कप्तान का आखिरी ओवर है, अच्छी यहां पे टाइम से खेलते हुए बिल्कुल ऑफ साइड के जरा जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है इस समय। और तेज प्रदर्शन यहां पे अच्छी गेंद, बिल्कुल झुलाती हुई गेंद यहां डाला था गेंदबाज ने और बल्लेबाज को आमंत्रित किया था कि आप आए आगे बढ़कर। इसी बीच स्टार्ट है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा, एक रन, एक एक रन से दीपक हैं ठीक हमारे सामने। बल्लेबाज भी आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और अभी आमंत्रण को स्वीकार किया है, फील्डर मौजूद है, क्या है यहां पे विकेट है, बेहतरीन कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच अजय कुमार की ओर से। अंकित वाजपेयी बिल्कुल कहा जा सकता अंतिम बल्लेबाज हैं और मैदान में बिल्कुल थोड़ी सी सुगबुगाहट होती हुई, कहते भी हैं कि शीशे के कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, दूर जाके पास फिर आया नहीं जाता, जबरदस्त प्रदर्शन करने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ दूरी बनाकर रखी हुई है अब विकेट से और निश्चित तौर पर इरादा स्पष्ट कर दिया है कि किस और ईसीएल को जीत के लिए एक विकेट की आवश्यकता। दीपक कुमार ऐसे टहल रहे हैं जैसे मानो कि जंगल में शेर टहल रहा हो।
सीना चौड़ा कर भी सकते हैं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की नहीं शुरुआत में, शुरुआती झटके मिलने के बाद ही सीआईएल थोड़ी सी लड़खड़ाई, उसके बाद डगमगाई, अब निश्ता नाबूद हो चुकी है सीआईएल। और ये आखिरी देखना है कि कितना रन ले पाते हैं। एक रन ना, एक ही रन मुकम्मल किया। लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी के साथ ओवरिंग समाप्ति 18 और समाप्ति पे 57 रन, 5 के पीछे 7, 9 विकेट के पतन पे। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता है, आप बादलों में नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल एक विकेट पीछे है कहा जा सकता, लेने ते ही मैच को जीत का स्वाद देख रहे हैं। आज सुबह के सत्र में टॉस जीता एसीएल ने। और आपको बताता चलो कि 20 ओवर का 2020 के इस महामुकाबले में 239 रन बनाया और एक का टारगेट दिया, लक्ष्य दिया है एक सीआईएल को। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो विविधताएं डाल रही है गेंद में उस पर निगाहें जरूर बना पर अतफा याद दिया, समय को बिल्कुल कहा जा सकता है ग्राउंड पे बिताया है और उसका जीवट उदाहरण यहाँ पे चमचमाता हुआ या ग्राउंड साफ झलक रहा है। सारे अधिकारी, सारे जो वर्कर्स जितने भी हैं और टीम के एक एक प्रत्येक खिलाड़ियों ने आत्मसमर्पण किया है इस क्रिकेट प्रतियोगिता को कराने के लिए, समय दिया है एशियल के और मैच भी खेलना है। अच्छी गेंद बैकफुट बजाकर इसे पंच कर दिया फॉलो थ्रू में, उतनी खूबसूरत फील्डिंग गेंदबाज का द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी चलता हुआ। और आपको बताता चलूं कि 57 रन बाद में आपको प्रसारित करूंगा कि क्या स्थिति है, 19वां ओवर गतिमान है और कहा जा सकता है कि जीत की जो खुशी है वो काफी बड़ी नजर आ रही है। ओहो बैट का है या फिर बाय, यहां पे बैट का इशारा है निश्चित तौर पर 4 रन के लिए। बैट का भीतरी किनारा लिया और बल्लेबाज को एक जश्न बनाने का मौका मिलता हुआ, क्योंकि क्रिकेट में किसी तरह से भी बनाना है T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में। इसी के साथ 19 ओवर समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 63 रन, 6 के। कल का मुकाबला इसी ग्राउंड में ECL बना BCCL सुबह 9 बजे, फिर उसी के बाद SCCL बना WCL 1 बजे। कल के मुकाबले इस प्रकार है, फिर से गेंदबाजी के लिए अग्रसित रजनीकांत। रजनीकांत का अगर मैं जीवनी पढ़ूं तो आपको बता दूं कि 4 रन देकर इन्होंने 2 महत्वपूर्ण मैच T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में जहां CCL कराया था। रजनीकांत की उम्मीदों को बिल्कुल कहा जा सकता है वहीं से पंख मिली है। आइए वापस मुकाबले के लिए, बहुत ही पुराने खिलाड़ी। बिल्कुल फ्रंट फुट में फुटवर्क अच्छा देखने को मिल रहा है बल्लेबाज का। बाएं हाथ के खब्बू गेंदबाज रजनीकांत, फुल टॉस डिलीवरी, स्लोअर डिलीवरी कहा जा सकता है, उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज यहां। यहाँ पे बिल्कुल विकेट का पतन होता हुआ और मैं आपको बताता चलूं कि CIL इस मैच में प्रस्त होता हुआ और ECL की जीत की खुशी बहुत ही बड़ी, 176 रनों से मैच को अपने नाम किया है ECL की टीम ने। CMPDI के हमारे साथी जो है उनको बताता रहा हूं कि 176 रन से इस मुकाबले को जीता है। धन्यवाद सर, आप मैच को लेकर चलता हूं मैं, एक क्रिकेट का है, आप सभी खिलाड़ी एक दूसरे का हाथ जरूर मिला लें और निश्चित तौर पर हम हैं कोल इंडिया और कोल इंडिया का एक अभिन्न अंग
सीआईएल के खिलाड़ी से भी आग्रह है कि बड़े भाई होने का एक फर्ज निभाएं और आप भी आकर गले लगे जरूर। मैच जीत हार कोई मायने नहीं रखता है, मैच में आप किस तरह से आपका जो हिस्सेदारी रहती है उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का आप खेल खेलते हो। 176 रन और दोनों ही अंपायर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, मैं कहता हूं कि दिल आप धड़कता है धड़का ही नहीं जाता, ये राजे मोहब्बत हर किसी को बताया नहीं जाता। लाजवाब प्रदर्शन एशियल के तमाम खेल पे। दोनों टीम से आग्रह है कि आप मुख्य मंच के करीब आ जाएंगे, आपसे आग्रह सीआईएल से भी और ईसीएल के भी खिलाड़ी से आग्रह है कि आप मुख्य मंच के करीब आ जाएं और लयबंद तरीके से इस पूरी प्रतियोगिता को एक नया आयाम, जैसा कि मौका भी है दस्तूर भी है, मैं सीआईएल के भी कप्तान से आग्रह करूंगा अपने खिलाड़ी को लेकर यहाँ पे आ जाए मुख्य मंच के करीब। 175 रनों की जीत, कहते हैं कि जीत बिल्कुल दुगनी और लंबा। कोल इंडिया के सीआईएल के मैं कहूंगा कि मैं कोल इंडिया के टीम के कैप्टन सीआईएल के आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को लेकर मैदान के मुख्य मंच के करीब आ जाएं। मौका भी है दस्तूर भी है और हम इस मैन ऑफ द के इस कार्यक्रम में आपके साथ मिल बांटकर खुशियां कर वो जीत की जो मिठास होती है और कहा जा सकता कि खेल का जो एक व्यवहार होता है और एक कला कौशल होता है कि आप जीते हारे कोई मायने नहीं, जेंटलमैन खेल कहा जाता है क्रिकेट का, और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले यह स्टेडियम आप तक हम पहुंचाते हुए इस पूरी प्रतियोगिता को जहां तक कि आपको जानकारी देता चलो मैन ऑफ द मैच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, मैं सबसे पहले दोनों टीम को से कहूंगा कि लाइनअप हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाइनअप हो जाए गोलअप। ओके
बी टाइप का। आइए अब मैं चाहूंगा इस प्रतियोगिता में, जैसा कि मैं कैप्टन से आग्रह है, सीआईएल के कैप्टन आप आए। क्या नाम है? राहुल, जैसा कि इस समय मैदान में हैं और निश्चित मेरे साथ हैं, और आपको जानकारी देता चलो कि कहाँ आपने कमी कर दी मैच में, कहाँ आपने पकड़ हिला किया। पहली प्रतिक्रिया इस मैच पे आप, हालांकि मैच गंवाया है, इसमें क्या पहले प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम लोग कहीं कमी नहीं है, ECL टीम बहुत अच्छा खेली और हम लोग प्रैक्टिस कभी करते नहीं है, हमारे पास ना ग्राउंड है ना कुछ, तो वो हम लोगों का एक पर्सनल एजेंडा है। बाकी ECL टीम बहुत अच्छा खेली तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर नेक्स्ट गेम। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्या यहां पे एक कहा जा सकता है कि कुछ कमी कुछ परिवर्तन अगले मैच में देखने को मिलेगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैच में आज से बेहतर खेलें और कोशिश करेंगे कि जीत के जाएं एक मैच। धन्यवाद सुखद साथ के साथ आप जाएं, इसके लिए धन्यवाद, आप आए यहाँ पे ECL में, आपका धन्यवाद है। अब मैं चाहूँगा विनर कप्तान आप आ जाएं। क्या नाम? तेरा नाम? सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। कृष्णा चुड़ा घोष, जी हाँ बिल्कुल, ये नाम ही काफ़ी है। इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली और कहा जा सकता है अपने प्रतिभा के साथ कहाँ पे आप लग रहा था, हालांकि टीम थोड़ी सी फंसती नज़र आ रही थी बीच में, नहीं बीच में मुझे लगा, मैं अपने तीनों अर्धशतकीय जो तीनों खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के बारे में आप क्या पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? जीत का कैसा मिठास महसूस कर रहे हैं कृष्णा? जीत के अच्छा लग रहा है, पिच थोड़ा सा स्लो था, हम लोगों बैट्समैन बहुत अच्छा खेला और कैरी किया मैच को लेके गया, सानी अच्छा खेला, अरिजीत अच्छा खेला, इसलिए हम लोग जीते। कल BCCL के साथ है, दो दो हाथ होना है सुबह के सत्र में, BCCL की टीम बिल्कुल आपके हर एक बारीकों को देख रहा था, क्या कहना चाहेंगे BCCL की टीम को? हम लोग को अपना जो प्लेयर है वो लोग अपना 100% देंगे और जीतेंगे। बिल्कुल, इन्होंने जगह दे दिया है और मैं आप ही रहना, इन्होंने एक कहा जा सकता है कि वार्निंग भी दे दिया है कि BCCL के साथ जो मुकाबला होगा पिंटू जी वो निश्चित ही हम जीतेंगे। मैं चाहूँगा, मैं HOD एडमिन ओपन अर्पण घोष सर आप से, और वहीं श्री राम बाबू पाठक जी सीनियर MED डिपार्टमेंट, और श्री माधव बनर्जी वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि मैन ऑफ द मैच के लिए आप आएंगे सर, और इस चमचमाती ट्रॉफी जो जयपुर से चलकर रेलगमार से आई है, मैं आपको बता दूं 60 रन इन्होंने बनाया है और 2 विकेट लिया है, आप जा नहीं सकते हैं कप्तान कृष्ण चुड़ागोस, जबरदस्त यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन यहाँ उम्मीद के पंख, और यहाँ पे सामूहिक रूप से ECL बिल्कुल सामूहिक रूप से दे तीनों आप लोग सर, आप लोग सामूहिक रूप से देंगे HOD एडविन ओपन अर्पण घोष और राम बाबू पाठक सर सीनियर EMD डिपार्टमेंट, और वहीं माधव बनर्जी श्री वेलफेयर डिपार्टमेंट, धन्यवाद है इस मैन ऑफ द मैच को कृष्ण चुड़ा। एक मिनट चुड़ा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कह रहे हैं चुड़ा मैन ऑफ द मैच लिया है, और कहते हैं कि मुकद्दर के आप सिकंदर बने हैं, तो इस पे 2 शब्द जरूर आप कहें। हम लोग टीम को अच्छा खेलना है, फाइनल जीतना, बस यही बोलेंगे। और इन्होंने कहा कि चमचमाती ट्रॉफी छोटा ट्रॉफी से नहीं बड़ा ट्रॉफी से हम जीतेंगे। अब मैं चाहूँगा सर आप अपने 2 शब्द रखें। इंटर सब्सिडियरी जो कोल इंडिया का टूर्नामेंट है, इंटर सब्सिडियरी जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें सभी टीमों को हम बधाई देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनल में बेस्ट जो टीम होगा वही आएंगे। थैंक यू। पढ़ा सर आप भी। आज सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं कोल इंडिया के टीम ECL की टीम, सभी को बहुत बहुत बधाई। हाफ जीत तो एक अलग पहलू है, बट आज क्रिकेट जीता है। हाँ, लेकिन ECL का टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और जो कोल इंडिया से जो हमारी टीम आई है उन्होंने भी कोशिश किया कुछ हद तक आगे बढ़ने का, बट आज कहीं ना कहीं ECL की टीम उन पर हावी रही। खैर, जो भी हो स्पोर्ट्स जीता है, और इस आने वाले जो स्पोर्ट्स होने वाले, आने वाले जो मैचेस होने वाले हैं, कल ECL और BCCL का है,
हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रोमांचक मैच कल और होगा। धन्यवाद। और मैं माधव बैनर्जी सर से भी आग्रह करूंगा कि आप दो शब्द रखें। इंटर एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट का, इंटर कंपनी का टूर्नामेंट का आज पहला दिन है। ये पूरे फैमिली का खेल है। ये क्रिकेट जो खेला होता है फैमिली का खेल है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जो लोग अच्छा खेलते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं जो अगला 7 दिन कम से कम हम लोग इंजॉय करेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित तौर ECL बिल्कुल अच्छा खेल दिखाएं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो CIL की टीम के लिए कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज आप बाजीगर हैं। मैच कोई भी जीता हारा ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बढ़िया प्रदर्शन किया, खेल की भावनाओं के अनुरूप आपने खेल दिखाया। धन्यवाद आपका। ठीक है।